तो व्हाट्सअप गाइस, मैं हूँ आराध्या जोशी। मेरे चैनल का नाम है मास्टर आराध्या। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिए बना, यहाँ से मत जाइएगा। और मैं आज हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं चाइनीज लंच के बारे में, जो हमेशा गर्म खाना लगता है। और ये है, ये चाइनीज है। और मैं आपको इसका पूरे डब्बे का लुक दिखा देता हूँ। ये यहाँ से ऐसा है। ये कौन कौन से कलर में आता है मैं आपको बता देता हूँ। एक ब्लू, पिंक, फॉशियन आता है। और ये मेरे पास पिंक अवेलेबल है। तो अगर आपको अच्छा लगा, मैं इसका अगर आपको बाय करना है तो परचेज करना है, तो मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। आप वहाँ से जाके इसे बाय कर सकते हैं। तो चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं इसकी। कहाँ से अनबॉक्स है? अच्छा, चक्कू से करना पड़ेगा भाई, वही तो जानू है भाई। भाई इधर से नहीं करने के भाई, यहाँ से बुला है। यहाँ चल लेते हैं, यहाँ पर थोड़ी थोड़ी लग गई थी बेटे। थोड़ी ज़्यादा खुल जाओ, खुल जाओ, खुल जाओ, खुल जाओ, खुल जाओ, खुल चुके हैं गाइस। यहाँ से के अंदर यहाँ पे है हमारा, ये पूरा बना है स्टील से, बस थोड़ी प्लास्टिक ली गई। मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ अंदर से बाहर से। ये यहाँ पे है, ये सब साइड से खोलते हैं अभी। ये देखिए गाइस, ये चल गया, खोलते हैं इसको। यहाँ पे खोलते हैं, ये स्टार्टेड यहाँ से खुला, यहाँ से खुला, यहाँ से खोला, यहाँ पे भी बटन दे रखा है। अब खुला जा गया, ये छोटा सा जिसमें सब्जी वज्जी आ सकती है। अब निकल गया, स्टील का बना है गाइस, स्टील का। और ये भी स्टील का बना है, तो थोड़ी बहुत प्लास्टिक भी लगी है इसमें। तो इसे करते हैं साइड में बंद। और ये है हमारी स्पून, चम्मच सूप वाली स्पून। आवाज सुन लीजिए ऐसी आ रही है, इसमें देखिएगा जी आ रही है। थोड़ी बड़ा है इसलिए ज़्यादा आ रही है। और इसको सुन लीजिए, ये तो भाई प्लास्टिक से नहीं है ना, ये बना पता नहीं किस चीज़ से। एक चीज़ मैंने यहाँ पे एक नोटिस करी है, यहाँ पे मिरर है, देखिए पंखा देखते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। ध्यान से पहले लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, और अगर आपको बाय करना है तो उसके लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो व्हाट्सअप गाइस, मैं हूँ आराध्या जोशी। मेरे चैनल का नाम है मास्टर आराध्या। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिए बना, यहाँ से मत जाइएगा। और मैं आज हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं चाइनीज लंच के बारे में, जो हमेशा गर्म खाना लगता है। और ये है, ये चाइनीज है। और मैं आपको इसका पूरे डब्बे का लुक दिखा देता हूँ। ये यहाँ से ऐसा है। ये कौन कौन से कलर में आता है मैं आपको बता देता हूँ। एक ब्लू, पिंक, फॉशियन आता है। और ये मेरे पास पिंक अवेलेबल है। तो अगर आपको अच्छा लगा, मैं इसका अगर आपको बाय करना है तो परचेज करना है, तो मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। आप वहाँ से जाके इसे बाय कर सकते हैं। तो चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं इसकी। कहाँ से इनबॉक्स है? अच्छा, चक्कू से करना पड़ेगा भाई, वही तो जानू है भाई। भाई इधर से नहीं करने के भाई, यहाँ से बुला है। यहाँ चल लेते हैं, यहाँ पर थोड़ी थोड़ी लग गई थी बेटे। थोड़ी ज़्यादा खुल जाओ, खुल जाओ, खुल जाओ, खुल जाओ, खुल जाओ, खुल जाओ, खुल चुके हैं गाइस। यहाँ से के अंदर यहाँ पे है हमारा, ये पूरा बना है स्टील से, बस थोड़ी प्लास्टिक ली गई। मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ अंदर से बाहर से। ये यहाँ पे है, ये सब साइड से खोलते हैं अभी। ये देखिए गाइस, ये चल गया, खोलते हैं इसको। यहाँ पे खोलते हैं, ये स्टार्टेड यहाँ से खुला, यहाँ से खुला, यहाँ से खोला, यहाँ से खुला। खुला ही नहीं, खुला ही नहीं खुले। अब यहाँ पे भी बटन दे रखा है,
अब खुला रहा है ये छोटा सा जिसमें सब्जी वब्जी आ सकती है। अब निकल गया, स्टील का बना है गाइस, स्टील का, और ये भी स्टील का बना है, तो थोड़ी बहुत प्लास्टिक भी लगी है इसमें। तो इसे करते हैं साइड में बंद, और ये है हमारी स्पून, चम्मच सूप वाली स्पून। आवाज़ सुन लीजिए ऐसी आ रही है, इसमें देखिएगा ऐसी आ रही है, थोड़ी बड़ा है इसलिए ज़्यादा आ रही है। और इसको सुन लीजिए, ये तो भाई प्लास्टिक से नहीं है ना, ये बना है पता नहीं किस चीज़ से। एक चीज़ मैंने यहाँ पे एक नोटिस करी है, यहाँ पे मेरा है, देखिए पंखा देखे यार। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, ध्यान से पहले लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, और अगर आपको बाय करना है तो उसके लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।